हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सातवें चैप्टर के क्वेश्चन कर लिए। आज हम नौवें चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। देखो, सबसे पहले इसमें देखते हैं निर्देशांक अक्ष क्या होती है। निर्देशांक अक्ष, अब देखो निर्देशांक अक्ष क्या होगी। समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए, समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींची जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, निर्देशांक अक्ष कहते हैं। दो लंबवत रेखाएं खींची जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, निर्देशांक अक्ष। जैसे ये है, एक रेखा ये होगी, एक रेखा ये, इसको बोल देते हैं एक्स अक्ष। यहां पर एक्स के मान माइनस एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये होता है हमारा मूल बिंदु। ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु किससे दर्शाएंगे, ओ से। अब देखो दो लंबवत रेखाएं खींची गई है, जिसमें ये जो क्षैतिज रेखा है इसको बोलेंगे एक्स अक्ष, और जो ये लंबवत रेखा होगी इस पर इसे क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। संघीय निर्देशांक अक्ष क्या आती है, समतल पर स्थित किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी हो तो दो रेखाएं खींची जाती है, जिसमें क्षैतिज रेखा होती है वो एक्स अक्ष और लंबवत रेखा होती है वो वाई अक्ष। और देखो इसमें अब आता है भुज और कोटि, भुज और कोटि। सबसे पहले किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स कोमा वाई। किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स कोमा वाई। पहले x की वैल्यू आती है, फिर उसके बाद किसकी वैल्यू आती है, y। अब देखो भुज और कोटि, भुज के निर्देशांक जो दर्शाएगा वो दर्शाएगा x अक्ष, कोटि के निर्देशांक दर्शाएगा y अक्ष। y का जो वैल्यू होगी वो कोटि के निर्देशांक, और भुज के निर्देशांक क्या होगी, x अक्ष। समझे ये। अब देखो ये जहां पर ये जो है हमारे कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये कितने चतुर्थांश में विभाजित है, चार चतुर्थांश, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। कितने चतुर्थांश है ये, यहाँ कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं इसको, वर्ड। तो ये कितने चतुर्थांश है हमारे पास, चार चतुर्थांश है, ठीक है। अब देखो इसमें x के मान भी प्लस का और y का मान भी प्लस का, ये होते हैं। इसमें x का मान माइनस, y का मान प्लस। पहले x का मान होता है फिर y, यहां पर दोनों क्या होंगे, माइनस। यहां पर x प्लस y माइनस, x प्लस y माइनस, ठीक है। ये हमारे चार क्वार्टर में विभाजित होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसके फॉर्मूले। अब इसके देखेंगे हम फॉर्मूले, कुछ दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहला इसका फॉर्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, इसका फॉर्मूला रूट एक्स टू माइनस एक्स वन की स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन की स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं एक्स निर्देशांकों का अंतर उसकी होल स्क्वायर, वाई निर्देशों का अंतर उसकी होल स्क्वायर। फिर आता है अंतर्वर्धन सूत्र, एक्स इक्वल एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये तो x की वैल्यू होगी अंतर्वर्धन सूत्र में। y इक्वल एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये किसका निर्देशांक है,
ये किसका सूत्र है? अंत्यवाजन। अब देखते हैं थर्ड इसमें बाह्यवाजन का। बाह्यवाजन में यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये किसका होएगा? बाह्यवाजन सूत्र का। अब उसके बाद आता है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने उसका सूत्र। फोर्थ सूत्र है इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन में 2, x निर्देशांकों का योग अपॉन में 2, y निर्देशांकों का योग अपॉन में 2। ये हो गया मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। अब हम देखते हैं 9.1 के क्वेश्चन। स्टूडेंट्स 9.1 के 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है, ग्राफ के क्वेश्चन आप कर सकते हो। 9.1 के छठे क्वेश्चन से देखते हैं, छठे का फर्स्ट देखते हैं। पहले दूरी ज्ञात करनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन देखते हैं, -6.7 और -1.-5, ये भी इसको बिंदु P मान लेते हैं, इसको बिंदु क्या मान लेते हैं Q। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहला मान x का होता है, दूसरा y का होता है, ऐसे ही है x और ये y। तो इसको मान लेते हैं x1 -6, y1 7, x2 -1, y2 -5। तो इनके मध्य में दूरी d बराबर या PQ बराबर, ठीक है, दूरी निकालते हैं इनके मध्य। सूत्र लिख लेते हैं, रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो रूट x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है -1 फिर माइनस, x1 की वैल्यू है -6 इसकी होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है -5 फिर माइनस y1 की वैल्यू 7 इसकी होल स्क्वायर। रूट -1 -1 × -1 +6 होल स्क्वायर, -5 और -7 -12 की होल स्क्वायर। -1 +6, 6 में से 1 घटाएंगे 5, तो रूट 5 की स्क्वायर प्लस -12 की होल स्क्वायर, -12 × -12 144, 5 स्क्वायर 25 प्लस 144, तो ये कितने होंगे 169। अब ये हमें पता है, यहाँ तो इसके बाद जगुनखंड कर लोगे, यहाँ ये किसकी स्क्वायर होती है 13, तो इसके मध्य दूरी कितनी है 13 इंच, ठीक है जी। अब इसका सेकंड इसी प्रकार है, खुद करोगे। थर्ड और देख लेते हैं इसका। थर्ड में क्या दिया है, ए टी वन स्क्वायर 2AT1 और दूसरा बिंदु दिया है ए टी टू स्क्वायर 2AT2। इसको मान लें पी, इसको मान लें क्यू। इनके मध्य की दूरी निकालनी है। देखो x1 की वैल्यू ए टी वन स्क्वायर, y1 की 2AT1, x2 की 8T2 स्क्वायर, y2 की 2AT2। ये होगी इनके मध्य दूरी। अब देखो इनके मध्य हमें दूरी निकालना है, PQ इक्वल रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, तो इक्वल में रूट। देखो x2 की वैल्यू कितनी है AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर,
फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है 2a t2 माइनस 2a t1 इसकी होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर हमारे पास इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में रह गया t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर और इस पूरे की होल स्क्वायर। फिर प्लस इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 2a, ब्रैकेट में रहेगा t2 माइनस t1 की होल स्क्वायर। अब देखो इसके बाद इसमें अब इसके बाद देखते हैं इसमें देखो a की स्क्वायर हो जाएगी यहां पर, ये t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर है तो वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b t2 प्लस t1 और a माइनस b t2 माइनस t1 और इसकी होल स्क्वायर। a की होल स्क्वायर हमने पहले कर दी है, ये किस में चल रहे हैं रूट प्लस 2a की स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 4 a इंटू a a स्क्वायर, यहां रह गया t2 माइनस t1 की स्क्वायर। अब इस पूरे में से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है तो रूट a स्क्वायर आ रहा है और t2 माइनस t1 की स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास कॉमन। यहां क्या रह गया इसमें t2 प्लस t1 की होल स्क्वायर प्लस में यहां पर क्या रह गया 4। इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, रूट से बाहर क्या आ जाएगा a t2 माइनस t1 पावर हाफ बार आती है रूट से, रूट में क्या रहेगा t2 प्लस t1 की होल स्क्वायर प्लस में 4। इस प्रकार से हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो स्टूडेंट्स सातवें क्वेश्चन में ये सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु दे रखे हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष कब होंगे, जब किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग की क्या होगा बराबर। सबसे पहले इसका ग्राफ बना लें, देखो मूल बिंदु 1 2 3 4 5 ये हो गया हमारा x अक्ष, x डैश माइनस एक माइनस, y का वैल्यू 1 2 3 ये y अक्ष माइनस एक माइनस दो ये y। और देखो 2 - 2 x का मान 2 ये रहा, y का मान माइनस 2 ये आ गया। इसको a बिंदु मान लेते हैं 2 - 2 माइनस 2 - 1 x का मान माइनस 2 y का मान 1, b बिंदु आ गया -2.1 5.2 ये c बिंदु 5.2 इनको मिला लेते हैं आपस में। अब इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, भी ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, पहले ab के मध्य की दूरी निकालते हैं रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, तो रूट x2 माइनस x1 एक को x1 y1 एक को x2 y2 तो x2 माइनस x1 माइनस 2 फिर माइनस का साइन x1 की वैल्यू कितनी रहेगी 2 इसकी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 1 फिर माइनस यहां पर ये कितने हैं माइनस के 2। देखो भाई जिसमें से x1 लिया है उसी में y1 लोगे, जिसमें x2 लिया है उसी में y2, माइनस 2 माइनस 2 कितने हो गए माइनस 4 की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 की स्क्वायर, तो ये कितने हो गए 16 प्लस 3 की स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 कितने हो गए रूट 25 यानी ये कितने आ गए 5। AB की वैल्यू कितनी आ गई 5, ए बी स्क्वायर करें तो 5 की स्क्वायर इक्वल में 25, ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25, ठीक है। इसी प्रकार से आप बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये कितने थे 5.2
बी सी की वैल्यू रूट बी और सी एक्स टू माइनस एक्स वन, इसको एक्स टू वाई टू मान लेते, पांच माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी होगी माइनस दो, इसकी होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन दो माइनस एक की होल स्क्वायर, तो रूट पांच प्लस दो की स्क्वायर प्लस एक की स्क्वायर, रूट सात की स्क्वायर प्लस एक पचास प्लस एक कितने आ गए रूट पचास। बी सी की वैल्यू है, बी सी स्क्वायर कर देते हैं, बी सी की वैल्यू कितनी आई थी रूट पचास, तो बी सी स्क्वायर यानी ये कितना आ गया पचास। यहाँ लिख लेते हैं बी सी स्क्वायर इक्वल मी पचास। अब वैल्यू निकालते हैं सी ए की, तो देखो सी ए की वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला वही एक्स टू माइनस एक्स वन की स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन की स्क्वायर, तो पांच माइनस दो की स्क्वायर वाई टू दो माइनस माइनस दो की स्क्वायर पांच माइनस दो तीन की स्क्वायर प्लस दो की स्क्वायर, तो नौ प्लस चार की स्क्वायर, तो नौ प्लस सोलह रूट पच्चीस यानी कितना आ गया पांच। सी ए के तो सी ए स्क्वायर इक्वल पांच स्क्वायर इक्वल पच्चीस, सी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई पच्चीस। अतः अब देखो अतः ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल पच्चीस प्लस पच्चीस इक्वल में कितना आ गया पचास, इक्वल में बी सी की स्क्वायर किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, अतः दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आठवां क्वेश्चन है वर्ग के शीर्ष ज्ञात करना है, भी वर्ग के शीर्ष हैं, तो वर्ग में चारों भुजाओं के मध्य दूरी निकालोगे। आठवें क्वेश्चन चारों भुजाओं के मध्य की दूरी, ठीक है, वो समान होनी चाहिए और दोनों विकर्णों के मध्य की दूरी वो भी आपस में क्या होनी चाहिए समान, तो वो एक वर्ग के शीर्ष होंगे। वर्ग और समचतुर्भुज में क्या डिफरेंस है, भी वर्ग में चारों भुजाएं भी समान होती है और विकर्ण भी क्या होते हैं समान, लेकिन समचतुर्भुज में विकर्ण समान ही होते, सिर्फ भुजाएं समान होती, ठीक है।